ये पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं तकलीफ कर दूँ, ये आए हैं मुजफ्फरनगर से, दिस पर्सन इज कम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, अ सिटी कॉल्ड मुजफ्फरनगर इन इंडिया। इनका पहले बहुत सारी क्वेरीज थी, ये कहने लगे कि मुझे ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे, यहाँ पे MD होता है या MBBS होता है, तो कहने लगे मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ पर MBBS लिखा जाए डिग्री पे। तो मैंने कहा देखिए एक बात सुनिए, MBBS और MD जो है ना पूरे वर्ल्ड में सब जगह MD चलता है, MBBS सिर्फ आपके इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, चाइना में नहीं चलता, बाकी सब जगह आपको MD। और MD का एक बेनिफिट और है कि आप अगर MD करके आप MD पोजीशन मिलता है वो भी ग्रेजुएट डिग्री भी ग्रेजुएट है, और आप बोर्ड पे आप सीधा ले सकते हैं MBBS ओनली MD पोजीशन। तो ये थोड़ी देर था कि आपने पीछे की नहीं की, बेनिफिट तो ये भी है, लेकिन ये तो एक मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये है ठीक है। और ये फिर कहने लगे मुझे चाइना भेजा, तो चाइना से इनका माइंड पूरी चेंज हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमे। उसके बाद इनका कल मेरे पास फोन आया कि सर मैं आपका सेमिनार अटेंड करना चाहता हूँ रात 10:30 बजे। मैंने सर आप तो चाइना जाना चाहते हो, हमारा यूक्रेन का सेमिनार है, आप जब चाइना का हमारा सेमिनार होगा तब आ जाना, अभी तो यूक्रेन का। इन्होंने कहा नहीं सर कुछ तो मिलेगा ही, ये नजफगढ़ से। तो ये इनकी भी सेम, इनकी भी वही स्टोरी है, ये भी काफी कंसल्टेंट्स के पास जा चुके हैं, और शायद इनके जो कुलीग्स थे ना उन्होंने कुछ एडवांस पैसे भी किसी को बुक कर दिए थे, है ना जी। फिर मेरी इनसे बात हुई फोन पर, मैंने उनको बताया, बात काफी टाइम होती रही। फिर इनके कुछ पासपोर्ट वगैरह में कुछ दिक्कत थी, इनके नाम में कुछ थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रदीप कुमार जी था, किसी में यादव सिंह था, तो ये चीज था लगे रहे। तो अब लास्ट मोमेंट पे आ गए, अभी सेटिस्फाइड हो गए, अभी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लीजिए सर, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि ट्रेन इज द बेस्ट, आईसी इज द बेस्ट एंड यू आर ये हमारे प्रवीण जी ने इतनी बात बोल दी है ना, तो समझ लीजिए आप, आपको 100% डॉक्यूमेंट लेके जाने से सुबह से शाम तक की काउंसलिंग मिलने के बाद आज ही उसके बोल रहे हैं कि यू आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप थोड़ा सा बताइए, आप मेन तो आपने जाना है, भाई ने साइड कर लिया है कि आप बताइए। ये इंक्वायरी हर कंट्री की थी, कौन सी कंट्री ठीक रहेगी, कौन सी कंट्री कैसी है। अब चाइना डिसाइड किया था, अब यहाँ पर आकर मैंने यूक्रेन के बारे में अच्छे से बता दिया, डिटेल बता दिया। तो जो MBBS और MD के बीच का जो डिफरेंस पता था वो इन्होंने क्लियर कर दिया, अब MBBS थोड़ा MD ठीक है। अच्छा ये मोक्स के स्टूडेंट हैं, एक बच्चा हमारा हो रहा है, कोई लाएंगे अभी हम, ये आपको सिर्फ पहले समझ आ गया सब चीज़ें, अभी आपको मेडिटेशन दिखाएंगे कितने मेडिटेशन आती है ओरिजिनल किस तरह से। सर प्लीज आप कुछ बोलिए, कैसा लगा आपको? हमने तो कोई ऑफिस विजिट नहीं किया, डायरेक्ट सेमिनार में ही आए हैं, और अभी इनकी जो फाइनल डिसीजन है 12 तारीख को हो जाएगी, क्योंकि 12 तारीख को जो इधर काउंसलिंग है उसमें पता चल जाए होने का चांस है, और काफ़ी अच्छा लगा। तो उधर फर्स्ट प्रियोरिटी अगर यहाँ इंडिया में हो जाती है उधर कर लेंगे, करना तो MBBS ही है, तो यूक्रेन ही हमारे लिए द बेस्ट होगा। कांग्रेचुलेशन।